अगर आपको भी इस तरह से रील्स चाहिए हर वक्त, तो और आपको अपना शॉर्ट्स वीडियो को सीईओ अच्छे से करना होगा, जब भी आपके हर वीडियोस में व्यूज आने लग जाएंगे, अगर आपकी वीडियोस में व्यूज आना रुक जाते हैं तो आपको बस सीईओ करना होगा अपने वीडियोस का। तो अगर आपको भी हर वक्त आपके व्यूज आने लग जाएंगे तो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आपको करना होगा ठीक से। तो आपको भी देख सकते हो मैंने इसमें पूरा सीईओ किया, इससे मेरी क्या हुआ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन होता है गाइस, इससे आपके लाइफ टाइम व्यूज होते हैं, इसलिए मेरे हर वक्त व्यूज आते। तो मैं चाहना सब आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपना सीईओ करना होगा, जब भी आपके लाइफ टाइम व्यूज आएंगे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, इसी तरह से वीडियोस बनाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो आपको अपने शॉर्ट्स को किस तरह से सीईओ करना, अब हम तीन स्टेप में को फॉलो करने होंगे, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी आप अपने वीडियोस को सर्च में लेके जा पाओगे, जब भी आपके लाइफ टाइम गाइस व्यूज आएंगे, नहीं तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। टाइटल, फर्स्ट हमारा टाइटल है, आप देख सकते हो इनमें से कितने हैशटैग्स लगाए और इन्होंने मतलब कि इन लोगों ने इतना अच्छे से टाइटल लिखा, इन्होंने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लिखे, इससे इनकी वीडियो सर्च में जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरह से टाइटल लिखा है, यहाँ पे जो मेन टाइटल होता है जो आपका वीडियो का टॉपिक है उसको आपको लिखना है, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, ये तीन लिखना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन आपको क्या करना है, जो आपने टाइटल में लिखा था वही आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको वो कॉपी कर लेना, थोड़ा सा गैप देना है, गैप देने आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स को क्या करना है आपको मेंशन करना, जब क्या होगा आपने मेंशन कर लिया, अब देखो आपको मैंने जिन जिन को मेंशन किया आपको भी इस तरह से मेंशन करना होगा, जब भी आपकी वीडियोस भी सर्च में जाएगी, क्योंकि आपका जो वीडियो का टॉपिक होता है कि बड़े क्रिएटर्स को अगर कोई सर्च करेगा तो उनके भी वीडियोस में आराम से देख सकते हो, कि अगर आप किसी की वीडियो को टैग्स या डिस्क्रिप्शन में हैशटैग करोगे, ये टैग्स आपको अपने वीडियोस में लगाना हो, जिससे आराम से आपके व्यूज आ जाए। अब आ जाती है टैग्स की, अब जो आपने कॉपी किए थे बड़े बड़े क्रिएटर्स का उसको भी आपको नाम लिखना होगा, जो आपका जो टैग्स है वो ही आपको लिखना होगा, शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, टेक्निकल गुरुजी, आपको इस तरह से मेंशन। टैग्स में आपको क्या करना है, जो आपका जो टॉपिक का वीडियो है उसको आपको एक एक वर्ड में लिखना है, जो आपका वीडियो है शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, शॉर्ट्स वीडियो डिटेल्स, इस तरह से करना होगा कि अगर आपको कोई भी वर्ड लिखे तो आपका चैनल टैग्स में आ जाए, मतलब कि आपको चैनल सर्च में आ जाए, तो आपका आराम से वीडियो वायरल हो जाए। आपको इस तरह से करेंगे तो आपको 100% आपका वीडियो वायरल हो जाएगा।